अस्सलाम वालेकुम, अलैकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल गाइस, कैसे सब लोग? मैं नहीं बताऊंगा। ओके गाइस, ना बताओ, मैं आज खेलने वाला हूँ हाउस डिजाइनर। तो तुम लोगों को जिन जिनको नहीं पता कि इस गेम में क्या होता है, तो इस गेम में हमने करना कुछ ऐसा होता कि अपना घर जो है वो मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ओके फिर ना बताओ। अरे यार, क्या सामने गाड़ी आ रही है? वो सामने गाड़ी खड़ी है, क्या प्यारा घर बनाया सामने और दिन का निकला हुआ है हमारा घर। देखो कूड़ा कबाड़ा है। आज हम ये खेलने वाले हैं कि हम अपना घर रेनोवेट करेंगे, कचरा वगैरह अच्छा। साफ करेंगे। अभी यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे आप लोग देख पा रहे हो $300 हैं और यहाँ पे घर क्लीनिंग का प्रोसेस आ रहा है और हमें दूसरों लोगों का घर जो है वो क्लीन करके अपने घर में पैसे लगाने हैं, यानी कि अपना घर अच्छा बनाना है। ओके तो अब यहीं से कचरे को साफ करना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या पड़ी है? यहाँ पे प्लैंक्स पड़े हैं, ये ब्रिक्स पड़े हैं। यार क्या क्या नहीं पड़े इस जगह पे, सीमेंट के ब्रिक्स पड़े हैं, यहाँ पे साइकिल के ये बॉडी पड़ी है, अबे क्या क्या पड़ा है, दो दो टीवी पड़े हैं, फिर से ब्रिक का आ गई। तो ओके जल्दी जल्दी ये सब क्लीन करते हैं। और ये ब्रिक भी उठाया। ओए यार, यहाँ पे ये साफ हो चुका है, अभी हमें अंदर जाना है और अंदर से ये सारा अंदर का माहौल सफा करना है। यार काश मैं यार आगे जा पाता, यहाँ से बाहर निकल पाता, यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है यार। मैं गांव देखता, बाकी का घर देखता सबके, फिर मैं घर बनाता। अच्छा कोई नहीं, अपने घर में जाता। अबे भाई इतना कचरा, ओ यार अभी ये भी टाइम लेगा, ये सारा कचरा ख़त्म करके मैं तुम लोगों को मिलता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड के अंदर। ये लास्ट बॉटल ओके साफ तो कर दिया हम, ये पुराना सामान है ये बेचेंगे सारा जो है। अभी यहाँ पे मैंने ये मशीन निकाल लिया, इससे मैं ये सारा का सारा जो पुराना सामान है ये मैं बेचूंगा और यहाँ पे विंडोज़ वगैरह सामान सारा जो है नया डालेगा। हमारा घर है भाई, हमारा घर है तो नया ही डालेगा ना सारा सामान। ओके ये यहाँ पे ये अलमारी भी हटा दें, ये दरवाज़ा भी हटा दें, ये विंडो भी हटा दें और ये सोफ़ा वगैरह सारा कुछ हटा देते हैं। अभी इसको भी हटाओ। अबे यार कितना गंदा है यार ये बाथरूम, यहाँ पे ये भी हटाओ, ये सिंक भी हटाओ, सब कुछ हटाओ। यहाँ पे एक कचरा है नीचे, इसके ऊपर पोछा लगाना पड़ेगा। पहले ये कचरा उठा लूँ ये यहाँ पे बचा है, बाकी अभी ये दरवाज़ा रहता है, इसको इसको बेचो। अभी बेच ओके, यहाँ पे इस सोफे को बेचो, इसको बेचो, ये सारा कितना यार गंदा सामान हुआ पड़ा है। हाँ ये भी बेचो, ये चेयर भी बेचो, बैठना नहीं है ये भी बेचो और लास्ट में ये भी बेचो। अभी क्या रह गया, आई डोंट थिंक कि अभी कुछ रह गया। अभी यहाँ पे जो है पोछा लगा लेते हैं। इतना यार यहाँ पे कचरा पड़ा, ऐसा लग रहा है यहाँ पे अजय देवगन भैया ने आके यहाँ पे थूका है। बोलो सुबह केसरी। अबे साले तभी ये हुआ, ये करो करो और ये करो। यहाँ पे भी अभी पेस्ट भरना है, इस पेस्ट को भरने के बाद यहाँ पे ये भी बराबर हो जाएगा, इसको भी साफ करो और ये हो गया। ये दरवाजा रह रहा था तो इसे मैं सोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे सेल कर देता हूँ। अबे खुल के जा रहा है, यहाँ पे दरवाजा सेल हो गया। अभी यहाँ पे यार कचरा रह गया, क्या करूँ यार, पूरा घर कचरे का डब्बा बना हुआ है इस वक्त। ओके अबे ये खिड़की रह गई, फिर से विंडो को भी सोल्ड करो, आई मीन सेल करो। ओके अभी सेल हो गई। अभी यार पीछे एक और विंडो है, यहाँ पे तो नहीं रह गई, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सारी हो गई यहाँ तो। ये रही एक विंडो और एक पीछे ये वाली विंडो। ओके ये विंडो भी हो गई सेल, ठीक हो गया। अभी कुछ घर की कंडीशन, अबे यार बोलने दो, तो कुछ बोल रहा था मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आई थिंक सो क्लीन हो गया घर। अभी यहाँ पे मुझे लेना है ये पैकिंग पेस्ट, इसे मुझे यहाँ पे रखना है और जो है इसे पता नहीं क्या कहते हैं, इससे पेस्ट लगेगा यहाँ पे, इसके ऊपर पेस्ट लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे दीवार टूटी हुई है, बाहर से लगा देते हैं, देख लो। फिर यहाँ से फिर से ये पैटी पेस्ट लेते हैं और यहाँ पे आके लगा देते हैं। पहले ये पेस्ट लगाना है, फिर वॉलपेपर वगैरह लगाना है, बहुत सारा काम करना है। अभी तो हाउस कंडीशन देख रहे हो ऊपर 1% है और इसे हमें 100% देना है। और जगह देख रहे थे कहीं और तो नहीं रह गई जगह यहाँ पे पेस्ट लगाना हो, नहीं और नहीं रह रही। हाँ ये देखो गाइस, हमारे यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे $879 हो चुके हैं, हाउस कंडीशन अभी भी 1% ही है, इसे 100% करना है और पैसा भी बहुत कमाना है ताकि इसके दरवाजे वगैरह विंडोज़ वगैरह खरीद पाएँ और यहाँ पे इसका वॉलपेपर वगैरह ख़रीदना है, बहुत सारा पैसा लगना है। तो पैसा कमाना है हमने लोगों का घर काम करके। अभी यहाँ पे ऑर्डर आया हुआ है एक, वो ऑर्डर करेंगे तो और भी ऑर्डर्स आएंगे, तो
वो अभी इस बाल्टी को बेच दे दें क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, घर के सारे जो है वो वॉल्स थी वो ठीक हो गई हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई अच्छा सा वॉलपेपर देख लेना है। ये देखते हैं वॉलपेपर कैसा लगता है भाई। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यही वॉलपेपर ठीक है, यही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तो सारा वॉलपेपर लग गया, अब बेडरूम रहता है, यहाँ पे लगाना है अभी। हाँ, सिलेक्ट करते हैं कोई अच्छा सा जो बेडरूम में आंखों में भी न चुभे, जब रात को सोते हैं ना तो ऐसा कलर होना चाहिए जो आंखों में न चुभे, इतना वाइट भी नहीं होना चाहिए और ब्लैक भी नहीं। ये देखते हैं ये कैसा है। अबे नहीं यार, अबे यहाँ पे कीचड़ लगा हुआ है, एक मिनट पहले इसे साफ कर लें। ये नहीं, कोई और सिलेक्ट करते हैं बेडरूम के हिसाब से कोई अच्छा सा हो। यहाँ पे ये, हाँ ये थोड़ा क्रीमी क्रीमी कलर है, ये ठीक लग रहा है। फूल वगैरह भी लगे हुए, पीछे की वॉल रहेगी इस पर कर लेता हूँ। और अभी हमें यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, स्लेट्स भी लगानी है इस साइड पे, क्योंकि तो तुम लोगों को पता है कि बाथरूम में स्लेट्स ही लगती हैं दीवारों पे। ओके, मैं स्लेट ढूंढ रहा था तो मुझे मिल गई यहाँ पे, तो वाइट स्लेट लगाते हैं क्योंकि तुम लोगों को पता है कि बाथरूम में अगर कलरफुल होते इतना कलरफुल अच्छा नहीं लगता, वाइट ही ठीक है। ये लगाते हैं यहाँ पे और इस वॉल पे लगेगा। अबे भाई लग जा, ओ नॉट इनफ मनी, हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया, तो हमें अभी काम पे जाना पड़ेगा ताकि हम अपना घर और भी अच्छा बना पाए। अभी तो 1% ही है कंडीशन अभी भी। ओके, तो मैं यहाँ पे काम पे आया हूँ, यहाँ पे मुझे कचरा उठाना है। अबे भाई कचरा यार, क्या क्या बना रखा है मुझे, 60% हो गया, ये उठ गया ये। अबे छोटे से काम के $160, आए यार मुझे भी बुला लो, मैं सचमुच में आके काम करूँगा। वैसे $160 मिल रहे हैं एक छोटे से काम के। मैं नेक्स्ट पे आया हूँ, यहाँ पे भी क्लीनिंग करनी है, यहाँ से नेक्स्ट डे नेक्स्ट करते जाएंगे, होम में नहीं जाएंगे जब तक कुछ पैसा जमा नहीं हो जाता। ये हो गया, दीवार हो गई, ठीक हो गया, यहाँ पे ये क्लीन हो गया। अबे $240, क्या अंधा पैसा आ रहा है क्या इन लोगों के पास, इतने पैसे दे रहे यार छोटे छोटे कामों के। मैं फिर से किसी और घर में आया हूँ और इस घर में क्या करना है मुझे, स्टिक पेपर वॉलपेपर लगाना है ब्लू कलर का। ये इसका नाम है फैपोज, क्या नाम है यार, फैपोज है क्या नाम है, वॉलपेपर ये लगाना है हमें। ये वॉलपेपर लग गया, चारों वॉल्स पे लगाना है, ये लग गया और ये रह रही है, इस वॉल पे भी लगाना है। ओके यार $320, अच्छी कमाई हो रही है। नेक्स्ट वर्क, यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या करना है, प्लेस बर्मा फ्लोर्ड टाइल डोवर ग्रे, हमें टाइल्स लगानी है। ऊपर जाते हैं, यहाँ पे कैसी टाइल्स लगानी है बाथरूम के अंदर, ये नीचे फ्लोर में लगानी है। अच्छा अच्छा ये फ्लोर की टाइल्स हैं, नीचे लगनी है। अबे लास्ट टाइम मैंने गलती की, वो वाइट वाली जो टाइल्स थी वो ज़मीन पे लगनी थी, मैंने उसको दीवार के ऊपर लगा दिया। नहीं नहीं यार, दीवार पे भी लगनी है क्योंकि दीवार पे भी चिपक रही हैं। ओके दीवार पे होगी, ये आखिरी दीवार रह रही है। $400 फिर मिल गया हमें, हमें कोई $3,000-4,000 की ज़रूरत है अभी, तो उसके बाद हम अपना थोड़ा घर बनाएंगे। हम फिर उसी बाथरूम में आ गए और सारा यहाँ पे जो है इसका सामान है वो उठ गया है, हमें लगाना है सही करके। ओके, तो ये बाथ टब है, इसे मुझे कुछ इस तरह से रोटेट करके यहाँ पे लगा देना है क्योंकि ऐसे ये सही लग रहा है। इसके ऊपर ये इसकी नाल होती है, ये लगा देनी है फेकोट, पता नहीं क्या कहते हैं यार, मुझे प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा मेरे से, पॉकेट, हाँ पॉकेट, शायद मैंने सही कहा, ठीक है नीचे कमेंट में बता देना। ठीक है, टॉयलेट सीट लगानी है अभी यहाँ पे, हमें यहाँ पे सेंटर करके लगा देते हैं, अभी लगाते जाएंगे ऐसे, हमें तो पैसे चाहिए, पैसे तो ऐसे ही मिल जाएंगे, हमें लगाना है बस इस अंदर। पॉकेट लगानी है इसकी, यहाँ पे पॉकेट टू, यहाँ पे नल लग गई इसके ऊपर। ओके $480। ओके, हमें एक नए वर्क पे आए, यहाँ पे हमें ये जो विंडोज़ हैं इनके ऊपर पर्दा डालने हैं, आई मीन ब्लाइंड करना है इनको। यहाँ पे कार्टन एंड ए वाली होगी, एक होगी और ये दूसरी होगी, ठीक है दोनों हो गए। इसके अंदर हमें बेड लगाना है, हाँ बेड लगाना है, और क्या लगाना है, बेड के साथ साथ हमें इसके जो ये होते हैं नाइट स्टैंड होते हैं ये लगाने हैं बेड के, बेड साइड टेबल्स। ओके, यहाँ पे एक लग गया और ये उस तरह सेट करके लगा देते हैं अच्छा करके। ओके, हमने ये दोनों लगा दिया, अभी हमें लैंप लगाना है, लैंप सेलेक्ट करते हैं और अभी ये कहाँ आ गया, मैं लैंप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये वाले लैंप, ये वॉल वाले लैंप है, यहाँ पे एक लगा दिया और ये दूसरा लगा दिया। ओके, सही करके बराबर करके ये लग गए। ओके, सीलिंग लगानी है हमें, सीलिंग की लाइट लगानी है हमें, सीलिंग नहीं लगानी, सीलिंग की लाइट लगानी है सही करके, बीच
सेंटर के अंदर, बस ठीक है ये भी लाइट होगी। और लास्ट चीज जो इसके अंदर है वो है टीवी लगाना। और क्या रहता है, और भी कुछ रहता है यहाँ पे टीवी लगा के इसको ऑन करके। हेलो भाई, अबे यार क्या मुंह ला रहा है, अबे हमें पेंटिंग लगानी है क्लास, और ये यहाँ पे हमें पैसे मिल जाएंगे। ये लगी पेंटिंग और $760 मिल गए। A few moments later, guys, finally मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं कुछ काम तो कर सकता हूँ अपने घर के अंदर। अब यहाँ पे मैं बाहर आ गया था, मैं क्लीन कर रहा था इसको सही से। फिर यहाँ पे इसके बाहर जो वॉल है वो वाइट करनी है, क्योंकि ये येलो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसको। देख कैसे यहाँ पे ये दाग धब्बा ये रह गया था, 98% बाहर से ये क्लीन हो चुका है। अभी यहाँ पे कहाँ रह रहा है यार, एक दाग और है। ओके 100% बाहर से क्लीन तो हो गया, लेकिन इसकी जो वो फर्नीचरिंग है और वो यहाँ पे ये वुड वर्क कह रहा हूँ मैं, दीवार के ऊपर जो लगनी है इसको क्या कहते हैं, ये साइडिंग ये रहती है अभी। तो मैं सिंपल वाइट वाली साइडिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे चिपका देता हूँ। एक साइड तो हो गई, बाकी की साइड होनी है। अब एक तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता से चलता है बंदा हमारा, ये साइड पे होगी, इस पे करके देखते हैं। ये तो ऑलरेडी वाइट है ना, इस पे तो नहीं होगी। ओके यहाँ पे आते हैं, पीछे की साइड ये रह गई थी, यहाँ पे इसको कर लेते हैं और इस साइड पे भी कर लेते हैं, येलो येलो को वाइट कर लेते हैं मतलब। अच्छा अभी हमें इसकी फ्लोरिंग करनी है सही से। मैंने ये नॉर्मल वाला वुड वर्क लिया है, यहाँ पे भी फ्लोरिंग कर लेते हैं ठीक है। और ओके कुछ अच्छा तो लग रहा है, कुछ तो सही हुआ। ओके यहाँ पे तो अभी स्लेट्स वगैरह लगेंगी, हार्ड वर्क तो नहीं लगेगी। यहाँ पे कारपेट भी नहीं डलेगी, कारपेट मैं एक अच्छी सी ले लेता हूँ यहाँ पे बिछाने के लिए। अबे मुझे क्यों लग रहा है, हाँ यार ये तो लास्ट वाली है जो पहले थी। अभी भाई इसे हमें बेच भी नहीं सकते, चलो बाद में लगा देंगे जब बाकी का काम कर रहे होंगे ना, बाद में लगा देंगे। अभी पहले वो काम करते हैं जो ज़रूरी है। यहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी ले सकते हैं, बैक जा पहले ये काम नहीं करना, पहले दीवारों को सही करना है, उसके बाद इसमें फर्नीचर वगैरह वो डालूँगा। यहाँ पे वो जो मैं उस टाइम कह रहा था, यहाँ पे टाइल्स ये रही बाथरूम वाली टाइल्स, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये जो है बेलमिनेट वॉल, ये वाली लेते हैं ब्लैक कलर की। ओके ये अच्छी लग रही है, ये उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे भी ले लेता हूँ, यहाँ पे भी ले लेता हूँ, और ये लास्ट वॉल इसके ऊपर भी लगा देता हूँ। ओके यहाँ पे अभी फ्लोर रह रहा है, तो फ्लोर पे अभी के लिए तो मैं हार्डवेयर वुड ही लगा रहा हूँ। तो तुम लोग बाद में कमेंट में बताना कुछ और लगाना है तो वो लगा दूंगा ठीक है। अभी तो मैं यही लगा रहा हूँ, लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही, बाथरूम में वुड कुछ अच्छी नहीं लग रही। अच्छा कोई नहीं बाद में बता देना, अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये हमारे पास $1702 पड़े हैं। यहाँ पे मैं एक बाथ ले लेता हूँ, बाथ वन, अभी ये सस्ता वाला लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो पैसे हैं उनसे यही चीज़ें आएंगी। अभी ये यहाँ पे ये लगा देता हूँ, और कुछ आएगा तो वो इसके पहले ये नल ले लेते हैं जो इसके अंदर लगेगी। ओके तो इसको लगा दिया यहाँ पे, नॉट इनफ मनी, इसके लिए भी पैसे नहीं है। अच्छा कोई नहीं गाइस, एक दरवाजे के पैसे हैं वही लगा देते हैं, अभी और पैसे नहीं हमारे पास, जितने हैं वही लगा देते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। हमारे पास ये सस्ते से दरवाजे के पैसे थे तो ये लगा दिया, अभी और पैसे नहीं है हमारे पास, तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ करेंगे और बहुत सारा सामान खरीदेंगे हमारे घर के लिए और अच्छा बनाएंगे। अभी तो 7% कंडीशन है इस घर की, और भी अच्छा करना है। अबे यार मैं फ्री फायर की तरह इसके अंदर घुसने वाला था साइड से, लेकिन नहीं घुस पाते। ओके तो गाइज कुछ इस तरह से आज हमारा घर बना है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।